नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। बता दें, बिहार ईओयू की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है। एनटीए ने नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित कराई थी। प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के नए डीजी होंगे। कर्नाटक कैडर के आईएएस रहे हैं प्रदीप सिंह खरोला। ये बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। जिस तरह से नीट को लेकर के प्रदर्शन हो रहा था, कई तरह के सवाल उठ रहे थे, साथ ही साथ डीजी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, तो ये बड़ा बदलाव अभी केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि फहरिस्त में कितने और सारे नाम हैं, पर अभी ये है कि सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। अब प्रदीप सिंह खरोला नए महानिदेशक होंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं, ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि फहरिस्त लंबी है, हो सकता है और भी कई लोगों पर गाज गिरे, पर डीजी की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और सवाल खड़े हो रहे थे, इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कवर्धा पहुंचे सांसद संतोष पांडे ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने पेपर लीक मामले पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र की जानकारी में पूरा मामला है, सही तरीके से पेपर लीक की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में जब पीएससी घोटाला हुआ था तो भूपेश बघेल के मुंह में दही क्यों जम गया था, सब जांच में स्पष्ट हो जाएगा। केंद्र के जानकारी में है, जांच चल रही है, माननीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी के नॉलेज में है और सब प्रकार से सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और रही बात जब यहाँ पीएससी घोटाला हुआ था और पीएससी घोटाले में भूपेश बघेल के मुंह में दही जम गया था, क्या उस समय भूल गए? राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा। कहा, पीएससी तो संभाल नहीं पाए, नीट की बात करते हैं तो वहीं डोंगरगढ़ के एसडीएम उमेश पटेल के द्वारा जब्त रेत को बेचने पर कहा कि दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। पर पीएससी को तो संभाल नहीं पाए, नीट की क्या बात करते हो? कोई अधिकारी ऐसा करेगा तो उसके ऊपर जो भी गलत काम करता है ये सरकार बहुत कठोरता से उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू ने पेपर लीक मामले को लेकर, नए कानून को लेकर कहा कि लोगों का गुस्सा शांत करने की कवायद है। गुमराह करने के लिए कानून बनाया गया और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि केंद्र ने ये काम पहले आखिर क्यों नहीं किया। देखिए, ये अब लोगों को सिर्फ एक गुस्सा शांत करने का और गुमराह करने का एकमात्र ये कारण दिखाई देता है कि अभी इतने बड़े घोटाले हो गए, लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया, उस पर आप अभी अब कानून नया बनाने जा रहे हो और उसमें आप जुर्माना का प्रावधान, सजा का प्रावधान किए हो, ये पहले क्यों नहीं किया आपने? कोरिया में जिला अस्पताल में युवक की मौत हो गई। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, पेट दर्द होने पर भर्ती किया गया था। मौके के बाद परिजनों का हंगामा भी देखने को मिला। डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप परिजनों के द्वारा लगाए गए। बैंकुंठपुर जिला अस्पताल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। कोरिया जिला अस्पताल का यह मामला है जहां पर युवक की मौत, इलाज के दौरान मौत हुई, पेट दर्द होने पर भर्ती कराया गया था और उसके बाद मौत हो गई। तो जिला अस्पताल में युवक की मौत हुई है। दरअसल पेट दर्द होने पर युवक को भर्ती कराया गया था और उसके बाद इलाज चल रहा था अस्पताल में। डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप परिजन लगा रहे हैं कि डॉक्टरों ने लापरवाही की है, जिस वजह से युवक की जान चली गई।
अस्पताल में हंगामा भी देखने को मिला है, परिजन इकट्ठा हो गए, हंगामा करने लगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी और जांच का भी विषय है कि किस तरह की लापरवाही यहाँ पर बढ़ती भी गई है कि नहीं बढ़ती गई है, ये जांच का विषय है। फिलहाल अभी जांच पड़ताल पूरे ही मामले में जारी है। कोरिया का हम जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर जिला अस्पताल में युवक की मौत हो गई, पेट दर्द से जूझ रहा था और इसी बीच अस्पताल में उसके परिजन राहत की सांस। इंदौर से उज्जैन के बीच चलेगी मेट्रो, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। जिला अस्पतालों की व्यवस्थाएं और लापरवाहियां कोई नई बात नहीं है, आए दिन लापरवाहियां जिला अस्पताल की देखने को मिलती हैं। हालांकि यहां पर लापरवाही है भी या नहीं है ये जांच का विषय है, पर युवक की मौत हुई है और मौत होने के बाद कई तरह के आरोप परिजन लगा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुजीत शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, क्या कुछ जानकारी इस मामले में मिल पा रही है? जी देखिए, पूरा मामला जो है बैकुंठपुर जिला अस्पताल का है, जहां देर शाम 5 बजे करीब 23 वर्षीय युवक जो है जिला अस्पताल पेट को दर्द शिकायत को लेकर आया था, जहां पर डॉक्टरों की सलाह पर भर्ती किया गया था, जहां 9 बजे लगभग 4 घंटे के बाद भर्ती के बाद जो है युवक की मौत हो गई। मौत से बाद जो है लगातार परिजन जो है हंगामा किए अस्पताल में, लगातार उनका ये कहना था कि मामूली दर्द था पेट में और जो भी था डॉक्टर जो है सलाह से अब भर्ती भी कराया, जिसके बाद मौत हो जाना। कहीं ना कहीं जो परिजन है वो लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं डॉक्टरों पर और अस्पताल प्रबंधन पर, जिसके बाद घंटों उन्होंने हंगामा किया अस्पताल में, जिला अस्पताल में एक जो जिसके बाद जो है कई काफी समझाइश के बाद जो है परिजन माने, वहीं जांच का आश्वासन के बाद जो है परिजन ने वहां पे हंगामा समाप्त किया। वहीं आपको बता दूं कि 23 वर्षीय जो युवक था वो मामूली पेट की शिकायत पर जो अस्पताल में भर्ती हुआ, अस्पताल प्रबंधक कहना है कि उसको प्रिस्क्रिप्शन जो है इलाज के लिए हम सोनोग्राफी के लिए सलाह दी गई थी और जब सोनोग्राफी से ठीक पहले जो है उसकी मौत हो गई, जो एक उसके पोस्टमार्टम के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। पूरा जो है मामला जो है ये पेट दर्द का है, जो 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसके बाद जो है परिजन जो है कहीं ना कहीं जो नाराजगी जाहिर की। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कवर्धा का जिक्र करते हैं। कवर्धा के बहरमुड़ा गांव में डायरिया फैल चुका है, 25 लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य अमले ने गांव में कैंप भी लगाया है, दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो चुके हैं। और ये भी बता दें, नालियों से होकर ये पानी जा रहा है, जिसे पीने को मजबूर हैं लोग और बीमार भी पड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, डायरिया फैल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में और लगातार ये पानी कहीं ना कहीं वजह है, क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, तो जिस तरह से अभी बारिश की शुरुआत हुई है और शुरुआती दिनों में ही फिर डायरिया के मरीज सामने आने लगे, एक माह पहले भी काफी संख्या में मरीज मिले थे, उसके बाद ये नए मामले सामने आए हैं। जो कवर्धा विकासखंड के अंतर्गत ये बहरमुड़ा गाँव है, वहाँ डायरिया के मरीज मिले हैं। अभी तक इनकी संख्या 25 बताई जा रही है, 25 डायरिया मरीज मिले हैं, इनका उपचार किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि इनमें से किसी की भी हालत गंभीर नहीं, सभी की हालत सामान्य है और इनको उपचार के लिए जो गांव में ही कैंप स्वास्थ्य विभाग ने लगाया है, इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इंदौरी, और जिनकी हालत थोड़ी ज्यादा खराब लगी उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर सभी की हालत सामान्य बनी हुई है। एहतियातन गाँव में स्वास्थ्य अमले ने कैंप लगाया है, तो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई है। जो डायरिया फैलने की वजह जिसको समझा जा रहा है, उसमें गांव में जो नालियों से गुजरा हुआ है पाइपलाइन, पानी टंकी से पानी की जो सप्लाई होती है वही सभी घरों में पहुंचता है और समझा वही पानी पीने की वजह से ये डायरिया फैलने की जानकारी अभी तक सामने आई है। पाइपलाइन में भी जगह जगह लीकेज की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दी है। इसके अलावा जो पीएचसी विभाग है वो गाँव में कल दौरा करने की जानकारी मिली है, वो पानी की जाँच करेगी। तो कुल मिलाकर प्रशासन जो है अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग इसमें एहतियातन बरतते हुए गाँव में कैंप लगाकर लोगों की जाँच कर रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलासपुर में हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, खड़े ट्रेलर से ट्रक की टक्कर हो गई, ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। पेंड्रीडी बाईपास पर यह हादसा हुआ, ट्रेलर से ट्रक की टक्कर और एक की मौत होना बताई जा रही है, ड्राइवर की मौत हुई है। सख्ती, रेलवे स्टेशन पर पानी भर चुका है, आधे घंटे की बारिश में ही जलभराव की स्थिति यहां पर उत्पन्न हुई है, जलभराव से यात्री परेशान भी नजर आए। ये देखिए तस्वीरें,
किस तरह से पानी यहाँ पर भर चुका है और यात्री कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आए, और जब ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो कई जगह लोगों के गिरने की भी आशंका बनी रहती है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि नगर निगम कितना सक्रिय रहा बरसात से पहले, कि ऐसी स्थिति बनी है कि यात्री परेशान होते हुए नजर आए हैं और पानी जलभराव थोड़ी सी बारिश से ही। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में मानसून है वो दस्तक दे चुकी है, और उसके बाद आधे घंटे की बारिश में सक्ती रेलवे स्टेशन का किस तरह से बुरा हाल है उसकी तस्वीर है। देखिए न्यूज 18 में एक एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि आधे घंटे में पूरा जो रेलवे स्टेशन है, यात्री प्रतीक्षालय से लेकर के तमाम जो दफ्तर है वो भी वहां पर पानी भर गया, और अफरा तफरी की स्थिति थी। रेलवे स्टेशन है, हालांकि वहां पर निर्माण कार्य कुछ चल रहा है, तो लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह जो स्टेशन मास्टर का कहना है कि उसकी वजह से कुछ जल जमा हुए हैं, लेकिन ये लापरवाही भी है कि कोई जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कम से कम यात्री प्रतीक्षालय और दफ्तर है उसे किसी तरह से सुरक्षित रखना चाहिए, और तमाम जो इक्विपमेंट है वहां पर होते हैं, ऐसे में ट्रेन में कई तरह की जो डिलेरमेंट है उसकी भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, और चूंकि रेल ट्रैक पे अगर पानी जमेगा तो एक दुर्घटना है उसकी आशंका है, लगातार बनी रहती है। फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम जरूर चल रहा है, लेकिन एक लापरवाही भी है, आधे घंटे की बारिश में ही रेल शक्ति का जो रेलवे स्टेशन है पूरी तरह से तरबतर हो गया है, तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर घंटे दो घंटे बारिश होगी तो किस तरह के हालात हैं वो होंगे, और खास करके रेल के परिचालन पर भी इसका असर अगर अधिक बारिश हुई तो पड़ सकता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। बिलासपुर का जिक्र करेंगे, उठाई गिरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, ज्वेलर्स की दुकान को महिलाओं ने निशाना बनाया था। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, दुकान मालिक को उलझाकर सोने के लॉकेट पार किए गए। सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तारी भी हो चुकी है महिलाओं की। गरियाबंद का जिक्र करेंगे, बाइक में आग लगी है, आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से युवक ने आग को बुझाने का प्रयास किया और काफी देर तक ये प्रयास जारी रहा। दुकानदार ने अग्निशमन यंत्र से फिर आग बुझाई, बाइक में शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और पीने के लिए वेंडर से पानी खरीद रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि रेलवे स्टेशनों पर अवैध वेंडर घूम रहे हैं जो आपको ब्रांडेड कंपनी का फिल्टर वाटर बताकर नल का पानी पिला रहे हैं। दरअसल हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर आपका भरोसा ब्रांडेड कंपनी के वाटर बॉटल से उठ जाएगा। जबलपुर सहित कई रेलवे स्टेशनों पर अवैध वेंडर ने कब्जा जमा रखा है, जो रेल यात्रियों द्वारा फेंकी जाने वाली खाली बोतलों को इकट्ठा करते हैं, फिर उनमें स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बने नलों से पानी भरते हैं और यात्रियों को बेच देते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के सीनियर डीसीएम मधुर वर्मा ने बताया कि जिस अवैध वेंडर की तस्वीर सामने आई थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सावधानी और सतर्कता यात्रियों को भी रखनी होगी। रेलवे के संज्ञान में आया था जिसमें एक व्यक्ति वहां पर रेलवे में रेल नीर की बोतलें थी और उनमें रेलवे के ही वाटर बूथ से पानी भर रहा था और उसका पानी को बांटने का प्रयास कर रहा था। तो हालांकि चूंकि रेलवे के बूथ से भरा है तो हम मान सकते हैं कि पानी तो स्वच्छ था, लेकिन वो बोतलें कहाँ से लाया है, कहाँ से उठाई हैं, उनकी स्वच्छता की गारंटी नहीं ली जा सकती थी। और चूंकि कोई बल्क में भर रहा है, अगर कोई पैसेंजर खुद के लिए भरता है तो एक या दो बोतल भरता है, चार भर सकता है परिवार के लिए, परंतु वो बल्क में भर रहा, 10 से 12 बोतलें थी उसके पास में, तो हम लोगों ने पाया कि अनऑथराइज्ड काम कर रहा है और शायद जब ट्रेन में भीड़ चले तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उसको बेचने की भी कोशिश करें। तो ऐसे वेंडर्स को हम लोग लगातार धरपकड़ जारी है, और जिस दिन ये वीडियो संज्ञान में आया था सेम शाम को व्यक्ति भी हिरासत में ले लिया गया था, आरपीएफ के सुपुर्द कर दिया गया था, तथा हमारी टीम चौकस निगरानी रखे हुए कि ऐसी और कोई घटना सामने ना आए।
खंडवा में बेटियों ने पिता का अंतिम संस्कार कराया। दरअसल भुसावल रेलवे मंडल के वरिष्ठ टिकट निरीक्षक नीलेश राठौर का हार्ट अटैक से निधन हुआ। काशी एक्सप्रेस से भुसावल से इटारसी जाते समय ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें छनेरा स्टेशन उतारकर सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। खंडवा के राजा हरिश्चंद मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार हुआ। चिता को अग्नि उनकी बड़ी बेटी शिवना ने दी। किसी इंसान का जेंडर बदलना यानी समाज में उसकी पहचान, उसके रिश्ते और बहुत कुछ बदल जाना। कभी टैबू की श्रेणी में आने वाले लिंग परिवर्तन पर अब केवल बातचीत ही नहीं होती, बल्कि लोगों में जेंडर चेंज कराने का चलन भी बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में हर महीने 3 से 4 जेंडर चेंज कराने की सर्जरी हो रही है। रायपुर से एक खास रिपोर्ट देखिए। ये है विद्या राजपूत, जिन्होंने जन्म तो एक लड़के के तौर पर लिया था, लेकिन अंदर से इन्हें कभी लड़कों जैसी फीलिंग महसूस नहीं हुई। इनके शरीर की ऊपरी बनावट भले ही लड़कों जैसी रही हो, लेकिन भावनाएं और विचार तो लड़कियों के समान ही थे। आखिरकार विद्या राजपूत जेंडर चेंज कराकर एक महिला का जीवन जीते हुए बेहद खुश हैं। जेंडर चेंज पर क्या कहती हैं विद्या, सुनिए। मैं एक ट्रांसजेंडर हूं और जब मैं छोटी थी तब से मैंने सोचा कि मैं एक लड़की के रूप में ज़िंदगी जीऊँ, और मैं जिस शरीर में पैदा हुई थी, जिस लड़के के शरीर में मैं पैदा हुई थी, तो मैं माइंड से खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि मैं एक लड़का हूँ। और मैंने शुरू से ही ये महसूस किया कि मैं एक लड़की हूँ। तो मेरा एक ख्वाब था कि मैं बड़ी होकर मैं सर्जरी कराऊं और मैं एक लड़की बन जाऊं। तो सबसे पहले मैंने अपना काउंसलिंग कराया। काउंसलिंग लगभग साल भर चलने के बाद मैंने हार्मोन्स लिया साल भर, और ये दोनों चीज़ कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने अपना सर्जरी कराया और आज आपके सामने हूं। और जैसा मैं अपने मन और माइंड से फील करती थी, मैंने उस शरीर को पा लिया। अब मिलिए पॉपी देवनाथ से। इन्हें देखकर शायद ही आप अंदाजा लगा पाए कि ये कभी लड़की थी। शरीर लड़की का था लेकिन मन लड़कों वाला। आखिरकार फैसला ले ही लिया तन और मन दोनों से लड़का बनने का। पॉपी देवनाथ बताते हैं कि जेंडर चेंज कराने पर शरीर का केवल एक हिस्सा ही नहीं बदलता, बल्कि हार्मोन, ब्रेस्ट, कमर का शेप, चेहरे में होंठ, आईब्रो, पलक, हेयरलाइन, झुर्रियां सभी चेंज किए जाते हैं। फीमेल टू मेल वाला सर्जरी में जैसे कि रहता है ब्रेस्ट रिमूव रहता है, हिस्ट्रो रिमूव रहता है। हिस्ट्रो मतलब वो ब्रेस्ट, मतलब ये है कि मेरे अंदर जो ब्रेस्ट था, जो फीमेल ब्रेस्ट था, उसको मैंने रिमूव किया। और उसके बाद मेरे अंदर हिस्ट्रो है, हिस्ट्रो मतलब बच्चादानी। बच्चादानी में फिलिपियन ट्यूब्स, यूट्रस, ओवरी सब निकलेगा। उसके बाद सबसे बड़ा जो सर्जरी रहता है वो बॉटम सर्जरी। बॉटम सर्जरी इंडिया में अभी तक उतना परफेक्ट डॉक्टर नहीं है, और जो भी डॉक्टर है वो अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील कालड़ा बताते हैं, पिछले 3 सालों में करीब 100 लोगों ने जेंडर चेंज कराया है, जिनमें 85% लड़के जबकि 15% लड़कियों ने जेंडर चेंज कराया। हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इवन माने अपना MP है, बिहार है, उड़ीसा है, ये अभी महाराष्ट्र है, इन सब जगह से आते हैं, बहुत केसेस आते हैं। इवन बाहर के भी अभी 2 केसेस हैं, एक मलेशिया का और एक समझ लीजिए नेपाल का, वो भी पाइपलाइन में है, उनको भी मैंने अभी डेट्स दी है। तो बाहर से भी बहुत केसेस आते हैं। हालांकि जेंडर चेंज पर पर्याप्त चर्चाएं हो जाती हैं, लेकिन जेंडर बदलवाने की प्रक्रिया बेहद जटिल, कई सर्जरी से होकर गुजरती है, जो खर्चीली भी है। हालांकि इतना बदलाव जरूर आया है कि समाज में ऐसे लोग खुलकर कहते हैं कि हाँ, उन्होंने जेंडर चेंज कराया है। रायपुर से विश्व शुक्ला, News 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अक्सर बातचीत में लोग कहते हैं यहाँ तो सजा में भी मजा है, लेकिन हम जिस जगह के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वहां सजा का मतलब है व्यक्तित्व निर्माण, जीवन के मूल्यों की सीख, प्रोफेशन की बारीकियों का ज्ञान। बैतूल से एक खास रिपोर्ट देखें।
एक साथ दर्जनों छात्र छात्राएं पौधे रोपते और उन्हें पानी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सभी किसी पौधारोपण अभियान से नहीं जुड़े हैं, बल्कि इन्हें तो सजा मिली है पौधे लगाने की, और वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 500 पौधे रोपने की। दरअसल ये सभी बैतूल के एक आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, जिन्हें कॉलेज में गलती करने पर अक्सर ऐसी ही सामूहिक सजा दी जाती है। मसलन पौधे लगाना, किसी गांव में जाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य का सर्वे करना, रोपे गए औषधीय पौधों की औषधीय जानकारी याद रखना भी जरूरी है। क्लास में फोन चला रहा था तो संदीप सर ने मेरे को पकड़ लिया था, उन्होंने पनिशमेंट दिया था। उन्होंने दो चॉइस रखी थी, या आप तो 500 पौधे लगाओ या गांव जाके सर्वे करके हर मतलब जो एबल नहीं है नॉट एबल है उनका बीपी पल्स वगैरह चेक करना। तो हमने 500 पौधे चुना था और उनका रोपण करा। सर जैसे जो भी हम पौधे यहाँ लगा रहे हैं वो औषधि वाले लगा रहे हैं, तो हमें उसके बॉटनिकल नेम हो गया या फिर उसके जो गुणधर्म होते हैं वो हम याद रखने पड़ते हैं, और वो हमसे कभी भी सर पूछ लेते हैं। और उसके बाद में ये है कि उसकी देखभाल हम करने के लिए उसको डेली देखते हैं, पानी हो गया, खाद हो गया, उसकी मतलब देखभाल भी हम करते रहते हैं। जी हमें फर्स्ट ईयर से बहुत सारी पनिशमेंट मिली गई है, जैसे अभी फिलहाल हाल ही में हेलमेट ना पहन के आने पर लोगों से हेलमेट खरीदवाए गए हैं, नया हेलमेट्स खरीदवा कर मंगवाया गया है, और अभी जैसे टेस्ट ना देने पर 10 या 15 बार बच्चों से लिखवाया भी जाता है, कैंप्स लगवाए जाते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं भविष्य में जब ये छात्र डॉक्टर बनकर समाज के बीच जाएंगे तो न सिर्फ इनमें काबिलियत होनी चाहिए बल्कि समाज और प्रकृति की सेवा करने का भी गुण होना जरूरी है। बच्चा जब कॉलेज में आता है तो वो कॉलेज के हिसाब से गलतियां करता है और बच्चों का काम ही गलती करना है, पर एक टीचर का उद्देश्य होता है कि इस गलती को सुधारना, और गलती को सुधारने के लिए ऐसे पनिशमेंट देना कि जिससे वो सीखे भी, पनिशमेंट भी पूरी हो और बच्चा कुछ सीख के भी जाए। केवल औषधीय ज्ञान नहीं, केवल डिग्री नहीं बल्कि प्रकृति को सहेजना और जीवन को संवारना, दूसरों के जीवन की रक्षा भी प्राथमिकता में रखना, यही सीख है इस सजा की। कोशिश कॉलेज से केवल अच्छे डॉक्टर नहीं, प्रकृति प्रेमी और अच्छे इंसान बनकर भी निकले। बैतूल से ऋषि नायडू, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बस्तर में गोंचा महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर समाज के लोगों ने भगवान जगन्नाथ को इंद्रावती का जल चढ़ाकर उन्हें चंदन लगाया, जिसे चंदन यात्रा भी कहते हैं। देव स्नान में समाज के लोगों ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि बस्तर में गोंचा महापर्व की परंपरा 600 साल से चली आ रही है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, देव स्नान पूर्णिमा बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको चंदन यात्रा बोलते हैं। सभी भगवान जितने अपने विग्रह हैं उनमें चंदन का लेप करके उनके सिंहासन से उतार देंगे उनको आज, और कल से फिर उनका जो है जड़ी बूटी का जो भोग लगेगा उससे उपचार शुरू होगा। आज स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र के साथ ही अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले। भक्त उन्हें प्रेमवश इतना स्नान कराते हैं कि वो बीमार पड़ जाते हैं। राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में खास तौर पर भगवान जगन्नाथ स्नान कराया गया, जिससे वो बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन किया गया और भगवान जगन्नाथ 5 जुलाई को दर्शन देंगे। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के